नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कई विभागों के ऑफिसर्स का हुआ तबादला, इंतजार हुआ खत्म। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीख की हुई घोषणा। इंटर के इतने लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। बिहार में भारी बारिश और ठंड को लेकर जारी हुआ अलर्ट। इंग्लैंड से वनडे टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंतजार हुआ खत्म, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीख की हुई घोषणा। 3 सालों से आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से साल 2019 में ग्रुप डी पदों पर निकाली गई वैकेंसी के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी के लिए परीक्षा 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है और इससे 10 दिन पहले यानी 7 अगस्त को एग्जाम सेंटर की डिटेल्स जारी की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 13 या 14 अगस्त से एडमिट कार्ड जारी करने की सूचना है। आपको बता दें कि इस भर्ती में रेलवे ग्रुप डी की 1.03 लाख वैकेंसी भरी जाएगी और इसके लिए करीब 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन भी किया है। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है, आपको सलाह दी जाती है कि इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप आरआरबी के आधिकारिक अकाउंट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बिहार में कई विभागों के ऑफिसर्स का हुआ तबादला। बिहार में इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बाद एक बार फिर से कई विभागों में ऑफिसर्स और पुलिसकर्मियों का बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार सरकार ने 38 जिलों के प्रभारी सचिवों का ट्रांसफर कर दिया। इसको लेकर ही नई सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही दूसरी तरफ होमगार्ड के 19 कमांडेंट का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं फॉरेंसिक के 16 सहायक निदेशक का भी तबादला हुआ है। साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग में भी कुल 11 चिकित्सा पदाधिकारियों के तबादले का काम कर दिया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बिहार में भारी बारिश और ठंड को लेकर जारी हुआ अलर्ट। लंबे इंतजार के साथ ही बिहार में मॉनसून की एंट्री हो गई है, जिसके बाद से ही बारिश का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं आईएमडी के मुताबिक पूरे प्रदेश में औसतन 35 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। इसी हफ्ते की बात करें तो मॉनसून की सक्रियता बने रहने के आसार है। अगले 24 घंटे में बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को सुबह 3 बजे से हुई झमाझम बारिश से शहर में जलजमाव की स्थिति हुई। कई जगहों पर मुख्य सड़कों, मुख्य इलाके समेत कई मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में भारी बारिश आज भी होगी। ठनके का अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार तक पूरे बिहार में मॉनसूनी बारिश सामान्य से 6% अधिक 172 मिलीमीटर हो चुकी है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हुआ वॉकथॉन का आयोजन। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर बिहार हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा वॉकथॉन का आयोजन ग्रीन पार्क गांधीनगर कांटी फैक्ट्री रोड में किया गया। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर दिनेश कुमार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इस तरह के आयोजन समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत ही अहम है और इसके लिए बिहार हेल्थ फाउंडेशन के आयोजन के लिए बधाई दी। डॉक्टर्स डे के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श और जांच की भी व्यवस्था थी, जिसका लाभ 100 से अधिक व्यक्तियों ने उठाया। बिहार हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि ये कार्यक्रम समाज में स्वास्थ्य के लिए जागरूकता एवं डॉक्टर को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, इम्तियाज आलम, डॉक्टर सुशील माधव और अन्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एम्स के भौतिक चिकित्सा डॉक्टर प्रभात रंजन ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। सहभागी के रूप में टाइनर कंपनी ने भी योगदान दिया। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 5 जुलाई से होगा ऑनलाइन ऑफलाइन नामांकन। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 5 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके तहत अब छात्राएं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी कुल 117 कोर्स में एक साथ नामांकन ले सकेंगे। इसके साथ ही छात्राओं को 25% की छूट भी दी जाएगी। साथ ही फीस भी इस सत्र में आंशिक वृद्धि की जानी है। इस नामांकन को लेकर भी विश्वविद्यालय में तैयारियां तेज हो गई है। 4 जुलाई को अब देर रात पोर्टल खोलने का काम किया जाएगा। इसके बाद ही सभी अर्हता रखने वाले छात्र छात्राएं सीधा नामांकन लेने का काम कर सकेंगे। जो छात्र ऑफलाइन नामांकन करवाते हैं वो उसी दौरान फिजिकल वेरिफिकेशन से सर्टिफिकेट जांच करा लेंगे। स्टडी मटेरियल भी उन्हें उसी दौरान देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा अधिकार स्केड्यूल भी नामांकन के समय ही दे दिया जाएगा। इंटर के इतने लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। बिहार बोर्ड ने इंटर के 3 संकायवार कट ऑफ सूची जारी कर दी है। 3 संकाय में जो छात्र कट ऑफ सूची में आए हैं उन्हें छात्रवृत्ति से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत ही अब इंटर के 3,50,000 विद्यार्थी को नेशनल स्कीम छात्रवृत्ति मिलेगी। बिहार बोर्ड की माने तो सामान्य श्रेणी के विज्ञान संकाय में 375 अंक तक लाने वाले छात्र और छात्राओं को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं कला संकाय में सामान्य श्रेणी के लिए 372 अंक निर्धारित है। वाणिज्य संकाय की बात करें तो सामान्य श्रेणी के छात्र के लिए 378 और छात्रा के लिए 376 अंक निर्धारित है। ज्ञात हो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के बोर्ड के विद्यार्थियों को सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम से जोड़ा जाता है। इसके लिए राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा रिजल्ट के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाता है।
बिहार में सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। बिहार में तेल कंपनियों ने महीने की पहली तारीख को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर लेने वालों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत ही तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। 1 जुलाई शुक्रवार को बिहार में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर लगभग 200 रूपये तक सस्ता हो गया है। राजधानी पटना में भी 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 2272 रूपये में मिलने वाला है। पिछले महीने ही सिलेंडर के दाम 2475 रूपये थे। हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पटना में अब बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1101 रूपये है। हालांकि अब इन सब के बीच तेल कंपनियों ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी है। हालांकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता होने से फूड कारोबार से जुड़े लोगों को राहत जरूर मिली है। शिक्षा विभाग में देर रात किया गया बड़ा फेरबदल, 13 जिलों के डीईओ बदले। शिक्षा विभाग ने 30 जून की देर रात बड़ी संख्या में शिक्षा सेवा के अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। इनमें 28 अफसरों की पोस्टिंग आरडीडीई, डीईओ, डीपीओ के अलावा विभिन्न निदेशालयों में संयुक्त निदेशक से लेकर उप और सहायक निदेशक तक के पदों पर की गई है। इसके साथ ही कुल 106 अधिकारियों के तबादले का आदेश भी शिक्षा विभाग ने दिया है। विभाग के तबादला प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की मुहर लगने के बाद निदेशक प्रशासन की तरफ से देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। जिन अफसरों की पोस्टिंग की गई है उनमें नजीबुल्लाह को सहरसा का डीईओ, अनिल कुमार द्विवेदी को डीईओ बक्सर, ओम प्रकाश सिंह को डीईओ शेखपुरा, अश्विनी कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर, वैशाली के डीईओ समर बहादुर सिंह को दरभंगा, सारण के डीईओ अजय कुमार सिंह को मुजफ्फरपुर सहित 13 जिलों के डीईओ का तबादला किया गया है। नीतीश राज की खुली पोल, राजकोष में हुआ नुकसान। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन में कैग रिपोर्ट को पेश किया गया, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम ने सदन में रिपोर्ट पेश किया था। पेश किए गए इस रिपोर्ट में सरकार की सच्चाई खुल गई है, क्योंकि इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में 92,687 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया। इस उपयोगिता जमा नहीं करने से यानी कि सिद्ध करता है कि धोखाधड़ी की अब पूरी संभावना है। पहले दफा में बिहार में 11,325 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व घाटा हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की दर बढ़ी इतनी गुना। कोरोना के कारण एक तरफ जहां उपभोक्ताओं के बीच स्वास्थ्य बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीमा प्रीमियम बढ़ने से खासकर वरीय नागरिकों और रिटायर्ड कर्मियों के लिए पॉलिसी खरीदना अब मुश्किल सा हो गया है। बीमा प्रीमियम में ही साल 2015-16 की तुलना में 6 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं बीमा कंपनियां पिछले 2 सालों में इंश्योरेंस क्लेम बढ़ने की वजह से प्रीमियम में बढ़ोतरी का हवाला दे रही है। रिटायर्ड बैंक कर्मियों के लिए भी 2 श्रेणी में बीमा दर तय कर दी गई है, यानी कि अब कर्मचारियों को 28,715 रुपये मूल प्रीमियम और 5,269 रूपए जीएसटी यानी कि कुल 33,884 रूपए और अधिकारियों को 36,652 रूपए मूल प्रीमियम और 6,597 रूपए जीएसटी के साथ कुल 43,249 रूपए भुगतान करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर राजद ने कसा तंज। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन पर राजद ने अब तंज कसा है। हालांकि जिस हिसाब से राजद ने तंज कसने का काम किया है, उसके बाद राजद खुद ही सोशल मीडिया यूजर के निशाने पर आ गया है। बीते दिन महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बाद राजद ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस को देश का पहला अग्निवीर बताया। हालांकि इस ट्वीट के साथ ही राजद से गलती हो गई, जिसके तहत ही राजद ने देवेंद्र फडणवीस को देवेंद्र फडणवीस लिख दिया, जिसके बाद ही लोगों ने पार्टी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद यूजर ने राजद को ही ट्रोल करते हुए रिप्लाई कर कहा कि दूसरों पर तंज कसने से पहले अपनी स्पेलिंग तो सही कर लो। राजद विधायक पर भड़की भाजपा। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया है, जिसके बाद ही सत्र के आखिरी दिन यानी कि गुरुवार को सत्र खत्म होने के बाद ही विवादों का अंत नहीं हुआ। इस सत्र की कार्यवाही खत्म होने से पहले ही सदन में वंदे मातरम के लिए सभी विधायक खड़े हुए, लेकिन इन सब के बीच एक सदस्य सदन में बैठा नजर आया। सत्र समाप्त होने के बाद जब बात सामने आई तो हंगामा मच गया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार वंदे मातरम के दौरान ठाकुरगंज से राजद विधायक सौद आलम खड़े नहीं हुए, सदन में अपनी सीट पर बैठे रह गए। इस बात पर हंगामा हो गया। सदन से बाहर निकलने पर ठाकुरगंज से राजद विधायक आलम के से पत्रकारों ने जब पूछा कि वंदे मातरम के दौरान वो खड़े क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार। बिहार के विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के समापन के मौके पर बिहार में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही मौजूद रहने वाले हैं। खबर के अनुसार पीएम मोदी 12 जुलाई को बिहार आ सकते हैं। इस दौरान वो विधानसभा में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करने वाले हैं, साथ ही विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास भी करेंगे। इसको लेकर बीते दिन ही सीएम नीतीश ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से बातचीत की, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान ही भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए स्पीकर ने पीएम के आने को लेकर जानकारी दी। देश भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ।
भारत में कोविड 19 के मामलों ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 17,070 से अधिक नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,34,69,234 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,07,189 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 23 मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या 5,25,139 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,07,189 पर पहुंच गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.25% है, जबकि कोविड 19 के मरीजों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.55% है। मंत्रालय के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 3.40% और साप्ताहिक संक्रमण दर 3.59% दर्ज की गई। इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,28,36,906 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.21% है। इंग्लैंड से वनडे T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। इंग्लैंड दौरे पर होने वाली T20 और वनडे मैच की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव आने के कारण टेस्ट मैच से बाहर होने वाले रोहित शर्मा ही दोनों सीरीज में कप्तानी करते नजर आएंगे। पहले T20 मैच के लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक। दूसरे तीसरे T20 मैच के लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविन्द्र जडेजा, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, हर्षल पटेल और उमरान मलिक। वनडे मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शिखर धवन, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविन्द्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सोनू सम्राज ऑफिशियल, रचना मीना, शंकर मुखिया, सुमन सौरभ यादव, माइकल मुर्मू, कौसर अली राउंडर, रंजीत मिश्रा, रामानुज रॉय, मनीष कुमार, मनोज कुमार, कौशल कुमार, सिद्धार्थ कुमार, कुलदीप कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, डॉक्टर्स डे पर आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।